मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में क्लासिफिकेशन चैप्टर को समझा था, पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने पादपों के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ा था शैवाल और उनका अध्ययन, और आज हम उसी क्रम में पढ़ने जा रहे हैं शैवाल के बाद डायोफाइट्स का अध्ययन। तो आज हम पढ़ेंगे डायोफाइट के बारे में। तो आज का चैप्टर है ब्रायोफाइट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो पादप जगत है उसको कितने समूह में बांटा गया है, शैवाल समूह ब्रायोफाइटा में बांटा है, उसके बाद टेरिडोफाइटा में बांटा है, साथ ही साथ उसमें हमने आवृत बीजी और अनावृत बीजी प्लांट में इसको डिवाइड किया है। तो आज इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, और उनका जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं। जो ब्रायोफाइट है उसके अंतर्गत जनरली मॉस एवं लिवरवर्ट टाइप के प्लांट आते हैं। ब्रायोफाइट शब्द जो बना है वो बना है ब्रायोन प्लस फाइट, अर्थात मॉस जैसे पौधे, उनको ब्रायोफाइटा ग्रुप में रखा गया। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों, जितनी रॉक सरफेस रहती है पहाड़ी क्षेत्रों में, नम एवं छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे आपको समझना है, ये पादप जगत के उभयचर अर्थात एम्फीबियंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, जो दोनों उसमें जी सकता है, जल में भी और थल में भी। तो यहाँ पर इसको पादप जगत के उभयचर इसलिए कहते हैं कि ब्रायोफाइट भले ही थल में उगते हैं लेकिन इनके निषेचन के लिए जब ये लैंगिक प्रजनन करते हैं उस समय इनको जल की आवश्यकता होती है। तो ज्यादातर इनको देखा जाता है कि जलीय स्रोतों के निकट ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी जो कायिक अवस्था रहती है वो शैवालों की तुलना में थोड़ा एडवांस रहती है, अधिक विभेदित रहती है, मतलब डिफ्रेंशिएटेड रहती है। मेन प्रॉपरली इसका थैलस स्ट्रक्चर ही पाया जाता है, अर्थात थैलस संरचना पाई जाती है। आगे देखें, इसमें जो मेन बॉडी रहती है, इसकी जो मुख्य काय रहती है वो आगुणित रहता है, और ये लैंगिक प्रजनन करते समय युग्मक उत्पन्न करते हैं। ये जो युग्मक उत्पन्न करते हैं ऐसी जगह उसको युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं, अर्थात गैमेटोफाइट स्टेट कहते हैं। जब ये लैंगिक प्रजनन करते हैं, युग्मक की उत्पत्ति करते हैं, और उस समय उस पौधे को युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट स्टेज कहलाते हैं। ये जो युग्मक रहते हैं तो नर युग्मक नर लैंगिक अंग में और मादा युग्मक मादा लैंगिक अंग में बनते हैं। नर युग्मक जिस लैंगिक अंग में बनते हैं उसको पुंधानी कहते हैं, और मादा युग्मक जिस अंग में बनते हैं उसको स्त्रीधानी कहते हैं, अर्थात आर्कियोगोनिफोर कहते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि हमने जैसे पढ़ा कि निषेचन, जब दो युग्मक अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन होने के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अब इस युग्मनज में आगे विभेदन होकर के बीजाणु का निर्माण होना चाहिए, पर ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसमें ये जो युग्मनज है अर्थात अगर नर युग्मक बने युग्मक अवस्था में, ये हैप्लॉयड स्टेज में रहता है अर्थात एन रहता है, तो यहाँ पर युग्मनज बनने पर ये 2N यानी डिप्लॉयड स्टेज में आ जाता है। अब ये युग्मक जो है अभी विभेदीकृत नहीं होगा, अभी ये बीजाणु उद्भिद अर्थात स्पोरोफाइट कंडीशन बना लेगा, यानी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से युग्मक का निर्माण, फिर निषेचन, उसके बाद नया बना बीजाणुधर या स्पोरोफाइट कंडीशन। मतलब ये जो है ये गैमेटोफाइट पर ही आंशिक रूप से परजीवी की तरह रहता है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट साथ साथ रहते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट जो है वो ग्रो करता है। अब इसका आर्थिक महत्व हम देखें तो कुछ मॉस जैसे होते हैं वो भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं कुछ स्तनधारियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और प्राणियों के द्वारा। इसमें जो स्फैग्नम नाम का जो प्लांट रहता है मतलब ब्रायोफाइट का सदस्य है वो इकट्ठा होकर के पीट बनाता है, और ये जो पीट है एक प्रकार से ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है।
सूखे मॉसेस के जो पौधे होते हैं, क्योंकि पैकिंग में जैसे कांच है, कांच की पैकिंग है, खिलौने हैं, बहुत से डेलिकेट ऐसे आइटम हैं, उनकी पैकिंग मटेरियल के लिए ये यूज किए जाते हैं। क्योंकि जो इन ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं, इनमें पानी रोकने की क्षमता अत्यधिक होती है, अपने से 20 टाइम ज्यादा वाटर रिटेंशन ये कर सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो होता है सजीव पदार्थों का स्थानांतरण करने में होता है, ताकि उनमें मॉइस्चर या पानी की कमी ना हो पाए। लाइकेन जो होता है, जिसमें मांस लगा हुआ होता है, मांस और लाइकन का जो कॉम्बिनेशन है वो पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो चट्टान, जिसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे, कि जो चट्टानों का ये अपघटन करते हैं, वहां जहाँ ये उगते हैं, ग्रो करते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे रॉक को उसके उसमें अपघटित करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स वहां पर रिलीज करते हैं, जिससे हायर प्लांट्स या उच्च कोटि के पौधे ग्रो कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है कि चूंकि ये सॉइल में अच्छे से पकड़े रहते हैं, इसके जो राइजॉइड्स रहते हैं, मूलाव रहते हैं, वो सॉइल को पकड़ के बाइंड करके रखते हैं, तो ये मृदा अपक्षरण, मतलब जो सॉइल इरोजन है, उसको रोकते हैं। अब ब्रायोफाइट को जनरली हम दो भागों में, चूंकि आपके एनसीईआरटी में दो भागों में इनको वर्गीकृत किया है और इसको इसके लक्षणों को डिस्कस किया है, तो वो है पहला लिवरवर्ट और दूसरा है मॉस। इसका हम आगे अध्ययन करें। अब हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे लिवरवर्ट क्लास के अंतर्गत कैसे इनके फीचर्स रहते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि चूंकि ये ब्रायोफाइट है, तो इनके कुछ फीचर्स तो बिल्कुल सेम, जैसे कि ये नम छायादार स्थानों में पाए जाएंगे, जल स्रोत के पास पाए जाते हैं। इसका जो पादप काय जो होता है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट जो होता है, वो थैलसाव यानी थैलस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से ऐसे 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 स्ट्रक्चर, जैसे मार्केशिया रिक्शिया इसमें पाया जाता है। अब इसका जो थैलस होता है वो पृष्ठाधर, पृष्ठाधर का मतलब होता है डॉर्सो वेंट्रल। जो ऊपर की सतह होती है वो कहलाती है पृष्ठ, पत्ती की जो चिकनी सतह होती है, आप नॉर्मल में आपको बता रही हूँ कि पत्ती की जो चिकनी सतह होती है वो डॉर्सल या पृष्ठ सतह कहलाती है, और जहां वेंस वाली पार्ट रहता है पीछे का, उसको कहते हैं वेंट्रल। तो ये कैसे होते हैं, डॉर्सो वेंट्रल टाइप के होते हैं। इसमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो मुख्यतः विखंडन के द्वारा, और जेमा, एक इनकी पत्तियों पर एक जेमा कप टाइप, कैसे जेमा कप जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ये बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जेमा कहलाते हैं, इनको जेमा कप कहते हैं, और ये जेमा बाद में प्लांट अपने पेरेंटल उससे अलग होकर के नए उसको बनाते हैं, सदस्य को। अब इसमें जो लैंगिक जनन होता है, सेम वैसे नर युग्मक कुंधानी में मादा युग्मक स्त्रीधानी धर में उत्पन्न होता है। अब इसमें जो स्पोरोफाइट होता है, उसमें एक पार्ट होता है सीटा होता है और कैप्सूल होता है। इसका अभी जब हम डायग्राम करेंगे तब इसको आप हम इससे आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हम एक पिक्चर आपको शो हो रही है, तो ये है मार्केशिया का प्लांट, ये है मार्केशिया और ये है रिक्सिया। आपको लिवर वर्ड्स में इन दो प्लांट्स के नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, रिक्सिया और मार्केशिया, ये ब्रायोफाइट। यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं मार्केशिया स्पीशीज में, ये है नर और ये है मादा। नर मादा क्यों कहा, क्योंकि ये जो है इसने N3DO4 अर्थात पुंधानी को धारण किया है, और पुंधानी में क्या बनेंगे, नर युग्मक का निर्माण होगा, इसको N3DO4 भी कहते हैं, तो इसमें नर युग्मक का निर्माण हो रहा। यहाँ बच्चों आप देख रहे होंगे कि पत्ती के पास एक कोश की ऐसे राइजॉइडल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, चूंकि ये जड़ में विभेदित नहीं होता, इसको राइजॉइड बोलते हैं। राइजॉइड या मूलाभ भी इसे कहते हैं। जड़ की तरह कार्य करता है पर जड़ जैसा नहीं होता, तो ये मूलाभ है जिससे ये एब्जॉर्ब करता है। इनमें कोई संवहनी ऊतक तंत्र नहीं पाया जाता, जाइलम फ्लोएम जैसे कोई बॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए ये छोटे छोटे हाइट में होते हैं। और इसी के स्थैलस स्ट्रक्चर में से एक
डिस्क जैसा स्ट्रक्चर ऊपर बढ़ता है और जो बाद में जा करके आर की N3DO4 बनाता है, और इस N3DO4 में मेल गैमिट अर्थात नर युग्मक बनते हैं। सेम मादा में अगर हम देखें तो मादा वाला जो है स्पीशीज, उसमें जो ऊपर उठ करके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको कहते हैं आर्किगोनियोफोर अर्थात स्त्रीधानी, और इसमें किसका डेवलपमेंट होगा, फीमेल गैमिट का डेवलप होगा। अब हम बात करते हैं मॉस की, जो एक नया समूह है वो है मॉस। इसमें जो प्रभावी अवस्था रहती है वो युग्मकोद्भिद अवस्था अर्थात गैमिटोफिटिक कंडीशन जो रहती है वो ज्यादा इफेक्टिव स्टेज रहती है। अब ये जो गैमिटोफिटिक स्टेज भी रहती है ये दो पार्ट में अगेन डिवाइड हो जाती है, एक तंतु या प्रोटोनिमा स्टेज कहलाती है और दूसरी कहती है फोलियोज स्टेज या पत्ती की तरह। तंतु या जो प्रोटोनिमा स्टेज कहलाती है इसको हम जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। जुवेनाइल फेज क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये इसकी किशोरावस्था एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ये समझाने के लिए कि इस समय जो पादप काय है वो ग्रो होता है, विसर्पी होता है, शाकित होता है, तंतुमय स्ट्रक्चर में होता है और वो ग्रो करता है। इसके बाद जब इसकी पत्ती की तरह स्टेज आती है तो तने पर पत्तियां मूला वगैरह होती हैं और इसमें अब युग्मक धानियों का निर्माण होना चालू हो जाता है। मेल में कुंधानी और फीमेल में स्त्रीधानी का निर्माण होना चालू हो जाता है। इसमें जो कायिक जनन होता है वो होता है विखंडन और मुकुलन के। अब इसमें जो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो सेम वैसे ही होगा जैसा लिवर वर्ट में, कि इसमें जो नर युग्मक हैं वो होंगे विकसित कुंधानी में, मादा युग्मक विकसित होंगे स्त्रीधानी में, और ये जो होंगे वो प्ररोह की चोटी पर, मतलब जो इसका जो पहला तंतुवत अवस्था है वो ऊपर उठ जाएगा और वहां पर फिर ये N3DO4 और आर्किगोनियो4 को बेयर करेगा। अब जब युग्मनज बन जाता है तो इससे फिर आगे बीजाणु का निर्माण नहीं होता, इससे इसकी दूसरी स्टेज चालू होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट स्टेज। ये लिवर वर्ट से ज्यादा विकसित होती है। इसमें जो कैप्सूल होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोर्स बनाता है, और ये जो स्पोर्स बनते हैं ये मियोसिस डिवीजन के दौरान बनते हैं। इनमें अगेन फिर से हैप्लॉयड स्टेज आ जाती है, क्योंकि जब स्पोरोफिटिक स्टेज होती है तो उस समय ये डिप्लॉयड अर्थात 2n स्टेज में रहते हैं। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, इसको हम डिस्कस करते हैं इसके डायग्राम को। यहाँ पर एक मॉस का डायग्राम बनाया हुआ है, ये मॉस प्लांट है, और इस मॉस प्लांट में हम देखें तो ये जो स्टेज दिखाई दे रही है जहाँ पर राइजॉइड है यानी मूलाभ है, मुख्य अक्ष है, पत्ती संरचना है, ये बनाती है युग्मकोद्भिद अर्थात गैमिटोफिटिक स्टेज। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है कुंधानी और स्त्रीधानी में। जब युग्मक का निर्माण और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद इसमें स्पोरोफाइट स्टेज आती है अर्थात सीटा डेवलप होता है, और उस सीटा से इसमें कैप्सूल का डेवलपमेंट होता है। इस कैप्सूल में फर्दर मियोसिस डिवीजन होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स निर्माण होते हैं। बाद में ये स्पोर न्यू प्रोजेनी को विकसित करते हैं। और हमको ये बात जरूर ध्यान देने वाली बात है कि ब्रायोफाइट में जो निषेचन होता है वो जल की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इनके लिए जल बहुत आवश्यक है। तो ये था बच्चों ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा ग्रुप के बारे में। थैंक यू बच्चों।